महू में अंबेडकर विश्वविद्यालय के वन अधिकार उत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची उषा ठाकुर ने जय आदिवासी युवा शक्ति यानी कि जयस को लेकर गंभीर टिप्पणी की थी और संगठन को देशद्रोही संगठन बता दिया था। इतना ही नहीं, मंत्री उषा ठाकुर ने यह भी बताया कि यह संगठन देश के आदिवासियों को देश तोड़ने का प्रशिक्षण दे रहा है, जिसमें प्रमाण मिले हैं। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को शपथ भी दिला दी थी कि वे ऐसे देशद्रोही संगठनों को नहीं पनपने देंगे। मंत्री के बयान के बाद से ही जयस संगठन से जुड़े लोग जमकर आक्रोश जता रहे हैं। यहाँ तक कि जयस के प्रदेश अध्यक्ष अंतिम मुजालदा ने यह तक कह दिया था कि अगर 3 दिन में मंत्री ने माफी नहीं मांगी तो सरकार के खिलाफ न केवल आंदोलन किया जाएगा बल्कि FIR भी दर्ज कराई जाएगी। इधर जमकर उठ रहे आक्रोश और आदिवासी संगठन जयस को लेकर मंत्री उषा ठाकुर की टिप्पणी पर विधानसभा में भी हंगामे की बात सामने आई है। अब मंत्री उषा ठाकुर ने स्वयं मीडिया के सामने अपनी कही गई बातों पर माफी मांग ली है। उषा ठाकुर ने कहा कि मेरी भावनाओं से, मेरे शब्दों से कोई आहत हुआ हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हालांकि उन्होंने माफी के दौरान ये भी कहा कि आदिवासियों के बीच में कुछ राष्ट्र विरोधी लोग और संगठन काम कर रहे हैं, उनसे सतर्क रहना जरूरी है। आपको बता दें, प्रदेश में उपचुनाव नजदीक है और ऐसे में मंत्री के बयान से बवाल मच गया था, क्योंकि मंत्री उषा ठाकुर की टिप्पणी से आहत आदिवासी संगठनों से जुड़े लोग नाराज दिखाई दे रहे थे, जिसका सीधा नुकसान BJP को आने वाले उपचुनाव में मुश्किलों में डाल सकता था। लिहाजा ऐसे में मंत्री ने बैकफुट पर आना ही बेहतर समझा। उन सभी सामाजिक संगठनों का बहुत सम्मान करती हूँ जो जनजाति समाज के उन्नति, प्रगति और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरी कथन रचना से यदि किसी को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा चाहती हूँ और मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये कष्ट मेरे मुंह से इसलिए निकला क्योंकि विगत 2 वर्षों से मैं महू में मानपुर मंडल के चप्पे चप्पे में सेवा कार्य कर रही हूँ।